हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12th के कंप्लीट वेक्टर को मैं सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बताने वाला बच्चों, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक ही वीडियो में हो जाएगा। तो प्लीज प्लीज बच्चों, इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, आपको दूसरा कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा इस चैप्टर वेक्टर को समझने के लिए। इस वीडियो में बच्चों सारे कॉन्सेप्ट भी होंगे और सारे क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो देखिए बच्चों, आज का सबसे पहला टॉपिक हमारा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बेटा क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। डिनोट किससे करते हैं? a कैप से। और इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर अपॉन में a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। और i कैप, j कैप, k कैप क्या होता है? देखिए, ये होता है i कैप, और एक होता है जे कैप, और एक होता है के कैप। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। आई कैप क्या करता है? ये है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। जो के तीनों का काम क्या है? आई कैप, जे कैप, के कैप का सिर्फ डायरेक्शन दिखाना। आई कैप का काम है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन दिखाना, जे कैप का काम है वाई एक्सिस का डायरेक्शन दिखाना, और के कैप का काम है जेड एक्सिस का डायरेक्शन दिखाना। बाकी तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, चाहे आई कैप कैप हो, जे कैप हो, या फिर के कैप हो, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1, क्योंकि तीनों का तीनों क्या है? यूनिट वेक्टर। इनफैक्ट यूनिट वेक्टर का काम ही होता है सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाना? डायरेक्शन दिखाना। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। पहले एक नोट मैंने लिख दिया कि यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाना। यूनिट वेक्टर का काम है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो सिर्फ 1 होता है। अब देख, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? एक वेक्टर दे रखा है और इसका मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड या तो आप ऐसे करके लिख दो, या फिर सिंपली ऊपर से एरो हटा दो, तो ये मैग्नीट्यूड को बताएगा। तो मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का हम कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर, और के कोफिशियंट का स्क्वायर। जैसे आपके पास एक वेक्टर है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस में k कैप, और आपको इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी अंडर रूट 9। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 3। तो मैग्नीट्यूड आप किसी वेक्टर का ऐसे निकाल सकते हो। देखिए बच्चों, अब यूनिट वेक्टर पे क्वेश्चन कैसा कैसा बन सकता है? आपसे पूछा जाएगा फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग, कभी बोलेगा ए के अलोंग यूनिट वेक्टर बताओ, कभी बोलेगा ए प्लस बी के अलोंग यूनिट वेक्टर बताओ, फिर बोलेगा 2a प्लस बी, यानी कुछ भी आपसे पूछ सकता है यूनिट वेक्टर। तो जब भी आपको किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो सबसे पहला पार्ट देखिए, आपको ए के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी आपको ए कैप निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूला, a वेक्टर अपॉन में a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो a कैप क्या हो जाएगा? a वेक्टर लिख दीजिए 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और अपॉन में उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए? डिवाइड। तो ये हो जाएगा 36, ये 16 हो जाएगा, ये 16, और ये हो जाएगा 4, और ये भी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो a कैप क्या आ जाएगा? 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और ये 36 हो गया, इसका अंडर रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा। सबके साथ सेपरेट कर दिए, इससे डिवाइड करेंगे तो 2/3i कैप, इसके साथ भी क्या आ जाएगा? 1/3j कैप माइनस 2/3k कैप। ये आ गया a वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर। अब अगर आपको a प्लस बी के अलोंग यूनिट वेक्टर पूछे, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा बच्चों? a प्लस बी निकालना होगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कैपिटल a वेक्टर, इस क्वेश्चन में इसे ही मान लेंगे कैपिटल a वेक्टर। हमें इन दोनों का क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले आप a वेक्टर है क्या, सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं, वो निकाल लीजिए। तो a वेक्टर क्या है? a प्लस बी, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 5i कैप, इसमें ऐड करेंगे तो प्लस 3j कैप, इसमें ऐड कीजिए तो क्या आ जाएगा? माइनस का 5k कैप। अब इसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो a कैप किसके इक्वल हो जाएगा? a वेक्टर अपॉन में a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो a वेक्टर लिख दीजिए ऊपर, 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और अपॉन में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा 9, और प्लस में 25। तो a कैप क्या हो जाएगा बच्चों? 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और अपॉन में क्या आ जाएगा? अंडर रूट 59। यही आपका आंसर होगा। तीसरे केस में क्या करना बच्चों, देखिए
आपको इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले आपको ये वेक्टर निकालना होगा, तो उसको आपको ए मान लेना है, ए वेक्टर मान लिया आपने उसको। अब ये चीज निकालो, 2a प्लस बी माइनस सी, यानी पहले a को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 8i कैप प्लस 4j कैप माइनस 8k कैप। आपने a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर b ऐड कर दो, तो b ऐड कर दीजिए, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। और फिर c माइनस करो, तो माइनस करो, माइनस i कैप माइनस 2j कैप और प्लस का k कैप। तो अब आपका a वेक्टर हो जाएगा कितना, 8i 19, और इसमें से कर यानी 8i ही रहेगा, 8i कैप 4j और ये 5j 5j माइनस 2j यानी के 3j हो जाएगा, ये माइनस 8k माइनस के माइनस 9k और ये कर जाएगा यानी के माइनस 8k ही रहेगा। तो अब इसके अलोंग हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, a वेक्टर अपॉन में a वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, i कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप और अपॉन में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, 64 प्लस में 9 प्लस में 64, तो ये हो जाएगा 8i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 8k कैप और ये अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 128 और 128 और ये 137 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप यूनिट वेक्टर पे आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी पॉइंट का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। ये कैसे निकलेगा, आर वेक्टर, जब हम पोजीशन किसी पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो बस उस पॉइंट में क्या लगा देते हैं, आई जे के लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस में जेड वन के कैप। तो इस तरह से हम किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। जैसे आपको दिया हो एक पॉइंट है ए 2, 3, 4 और दूसरा पॉइंट है बी -2, -1 और ये 6 है, और आपको ए बी यानी ए बी वैक्टर अगर निकालना हो तो ए बी वैक्टर कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको ए बी वेक्टर मिल जाएगा। बी के पोजीशन में से ए को माइनस करना होगा, तो माइनस कीजिए बी के पोजीशन में से ए को, तो ये हो जाएगा -4i कैप, इसमें से इसको माइनस कीजिए -4j कैप, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो प्लस का 2k कैप। ये हो गया, अगर आपको दो पॉइंट दे रखा हो और आपको ए बी वैक्टर निकालने को बोले तो बी के पोजिशन में से ए का पोजिशन क्या कर देना, आपको माइनस कर देना है। बच्चों आप देखिए छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ये एक वेक्टर दे रखा है और इसका आपसे स्केलर कंपोनेंट पूछे, तो आई जे के का जो कोफिशियंट होता है वो स्केलर कंपोनेंट होता है, यानी कि ए कॉमा बी कॉमा सी, ये स्केलर कंपोनेंट हो गया। और वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, ए आई कैप ये भी वेक्टर कंपोनेंट है, बी जे कैप ये भी वेक्टर कंपोनेंट है और सी के कैप ये भी वेक्टर कंपोनेंट। जैसे इसमें एग्जांपल ले ले, स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा -2, 3, 4 और वेक्टर कंपोनेंट क्या आ जाएगा -2i कैप 3j कैप, 4k कैप, ये इसका वेक्टर कंपोनेंट है। नेक्स्ट देखिए बच्चों वीवीआई टॉपिक है ये, इसमें आपसे क्या पूछेगा, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड m, एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड तो m हो और डायरेक्शन किसके अलोंग हो, a वेक्टर के अलोंग। तो देखो मैंने बताया था डायरेक्शन दिखाने वाला वेक्टर कौन होता है, यूनिट वेक्टर। तो आपको एक कोई वेक्टर निकालना है, दूसरा मान लो आपको b वेक्टर निकालना है, b वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या होना चाहिए m, और डायरेक्शन किधर होना चाहिए, ए वेक्टर के अलोंग। तो डायरेक्शन होगा ए के अलोंग, तो ए वेक्टर का डायरेक्शन कौन दिखाएगा, उसका यूनिट वेक्टर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू एम इनटू में ए का यूनिट वेक्टर। इसको और अच्छे समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो हमें एक वेक्टर निकालना है, मान लो बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 और डायरेक्शन इसके अलोंग है, तो इसको मान लेता हूँ ए, ए वेक्टर मान लेता हूँ, तो आपको ए कैप से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, यानी कि डायरेक्शन दिखाने के लिए उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई। तो बी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा 5 और ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आंसर हो जाएगा 5, ए वेक्टर है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड अंडर रूट
फोर प्लस में फोर प्लस में वन, तो बी वेक्टर आ जाएगा आपका कितना, फाइव, और ये तो कितना आ जाएगा थ्री, यानी फाइव बाई थ्री टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस में के कैप, ये आपका आंसर है। देखिए बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ में क्या देखना आपको बच्चों, अगर आपको ये ट्रायंगल दे रखा है तो इसमें एडिशन कैसे होगा वेक्टर का, आपको ध्यान देना है ए बी वैक्टर प्लस में ए बी वैक्टर प्लस में बी सी वैक्टर, ए बी वैक्टर प्लस में बी सी वैक्टर किसके इक्वल होगा, ए सी वैक्टर के इक्वल होगा, याद रखिएगा ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा, ए सी के। अगर हम ये ऐसे स्टार्ट कर लेते, अगर इधर से स्टार्ट करते तो क्या होता, बी ए वैक्टर प्लस में ए सी वैक्टर, बी ए वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर किसके इक्वल होता, बी सी वैक्टर के इक्वल होता। यानी कि आपको ध्यान रखना है, और साइक्लिक अगर होगा, जैसे आप इस ए सी को क्या लिख सकते हो, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, इसे चेंज भी कर सकते हैं, ए सी वैक्टर को हम लिख सकते हैं माइनस का सी ए वैक्टर, क्योंकि ये अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव वैक्टर हो जाएगा, और इसे ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर अब प्लस सी ए वैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो। यानी अगर साइक्लिक में लोगे तो आंसर आ जाएगा जीरो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये तो हो गया ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। अब पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, अगर पैरेललोग्राम का दो साइड दे रखा है एडजेसेंट साइड, ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये इसका डायगोनल वेक्टर होगा, यही होगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर, यानी आर वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल वेक्टर एंड नेगेटिव वेक्टर। इक्वल वेक्टर उसे कहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी अगर सेम हो, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। यानी एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसे बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। ए वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर। उसी तरह से ए बी वेक्टर जो होगा और किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ बी ए वेक्टर के, क्योंकि ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर क्या होगा, एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर होगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। उसी तरह से अगर ए सी वेक्टर है तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ सी ए वेक्टर। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर क्या होता है, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। जैसे ये एक वेक्टर है, ये भी कोलिनियर हो गया, ये भी कोलिनियर हो गया, ये भी कोलिनियर हो गया, ये सब क्या हो गया, कोलिनियर। इसमें या तो ये सब वैक्टर पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है। जैसे आप समझिए ये है वैक्टर है, ये मान लो है ए वैक्टर है, और ये है इसका मैग्नीट्यूड का इसके डबल है, यानी कि थ्री ए वेक्टर, डायरेक्शन तो सेम है और इसका मैग्नीट्यूड का इसका आधा है, तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई टू ए वेक्टर। उसके बाद इसका देखिए मैग्नीट्यूड भी इससे ज़्यादा है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं माइनस का टू ए वेक्टर हो जाएगा। ये इसके मुकाबले जो है, देखिए ध्यान से, मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है और डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो इसको हम मान सकते हैं माइनस का फाइव ए वेक्टर है। तो ये सारे वेक्टर क्या है, कोलिनियर, यानी पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो बच्चे इन सब वेक्टर में देखो एक चीज सेम है, बस फर्क क्या है, डायरेक्ट ए वेक्टर तो आएगा ही आएगा, और बस यहाँ पर या तो प्लस का नंबर आएगा या तो माइनस का नंबर आएगा। तो दो वेक्टर अगर कोलिनियर है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर कोलिनियर है, तो ए वेक्टर जो होगा वो के टाइम क्या होगा, बी वेक्टर के इक्वल होगा। यानी कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर कोई ना कोई नंबर का मल्टीपल होगा, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी के होगा वो रियल नंबर होगा, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलेगा। बच्चों एक छोटा सा नोट देखिए, अगर दो वेक्टर दे रखा हो, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हो, तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, इसका जो रेशियो आएगा कोफिशिएंट का वो सेम आएगा, ए वन अपॉन ए टू किसके इक्वल होगा, बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, अदरवाइज ये पैरेलल नहीं होगा। पैरेलल होगा तो ये सेम आएगा। जैसे आपके पास एक वेक्टर है
टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस में फोर के कैप, और दूसरा वेक्टर है माइनस फोर आई कैप प्लस सिक्स जे कैप माइनस का एट के कैप। और आपको चेक करके बताना है क्या ये पैरेलल है, तो ये बिल्कुल पैरेलल है। देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस वन बाई टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस वन बाई टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस का वन बाई टू, यानी ये वैक्टर क्या है, पैरेलल है। और नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर ये दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो आपको कंडीशन याद रखना है ए वन ए टू प्लस में बी वन बी टू प्लस में सी वन सी टू ये जीरो के इक्वल होगा, आपको याद रखना है। देखिए बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे आपसे बोला गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो एम की वैल्यू बताओ। मैंने अभी बताया कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू किसके इक्वल होगा, जीरो। तो पहले ये दोनों वेक्टर निकालते हैं, एक वेक्टर ये हुआ और एक वेक्टर ये हुआ, तो पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप और प्लस में 5k कैप हो गया, और c वेक्टर लिखा हुआ है m i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन लगा दो, 3 को m से मल्टीप्लाई करो यानी कि 3m, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो यानी माइनस 8, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो यानी कि 5 इज इक्वल टू 0, तो 3m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 3/3 यानी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फार्मूला इन वेक्टर। वेक्टर में सेक्शन फार्मूला कैसे होता है, बिल्कुल भाई जो आपने टेंथ में पढ़ा उसी तरह का, बस इसमें वेक्टर आ जाएगा। एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, और इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है यानी ओरिजिन से वेक्टर ये है A वेक्टर, और Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, आपके पास दोनों का पोजीशन वेक्टर दे रखा होगा, ये है B वेक्टर, और एक पॉइंट है R जिसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, और ये R जो है इस पॉइंट P और Q को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। तो ये जो R वेक्टर होगा बच्चों, ये कैसे आपको निकालना है, m को मल्टीप्लाई करना इधर यानी इसके पोजीशन वेक्टर से यानी m b वेक्टर, प्लस में n को मल्टीप्लाई करना इधर वाले पोजीशन वेक्टर से यानी कि n इंटू में a वेक्टर अपॉन में m प्लस में n। कब, जब ये इंटरनली हो, क्या हो, इंटरनली, और ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, यानी एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर अपॉन में एम माइनस एन होगा, कब, जब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो। देखो बच्चों सेक्शन फार्मूला को एकदम अच्छे समझने के लिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन मैंने ले लिया है, बोला गया फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड टू पॉइंट पी एंड क्यू विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस इन रेशियो 2:3, एक बार इंटरनली एक बार एक्सटर्नली। बेटा बहुत आसान सा तरीका है, पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं इंटरनली, आपको आर वैक्टर निकालना है। क्या मैंने तरीका बताया कि P के पोजीशन, देखो 2 को मल्टीप्लाई करना Q के पोजीशन वेक्टर से, यानी 2 को मल्टीप्लाई करना आपको उल्टा करना, P से नहीं Q के पोजीशन वेक्टर से, तो 2 को मल्टीप्लाई करो Q के पोजीशन वेक्टर से यानी कि 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर हो गया, बीच में लिखो प्लस। अब 3 को मल्टीप्लाई करो P के पोजीशन वेक्टर से यानी कि 3 इंटू में 2A वेक्टर, उल्टा करना मल्टीप्लाई, बहुत आसान है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 प्लस में 3, ये हो गया इंटरनली डिवाइड, ये आ जाएगा हमारा कितना 6A माइनस 4B वेक्टर प्लस 6A वेक्टर माइनस 9B वेक्टर अपॉन में 5, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा कितना 12A वेक्टर माइनस 13B वेक्टर अपॉन में 5, ये आ गया आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का। और सेकेंड पार्ट में कुछ नहीं, सिंपली बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यानी कि 6A वेक्टर माइनस 4B वेक्टर, अब बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा 6A वेक्टर माइनस 9B वेक्टर अपॉन में कितना हो जाए 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो इस केस में R वेक्टर क्या हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5B वेक्टर अपॉन माइनस 1 यानी R वेक्टर आ जाएगा माइनस का 5B वेक्टर। तो इस तरह से बच्चों आप सेक्शन फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं।
अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसे क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है बच्चों ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर ए और बी क्या है, ए और बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और थीटा जो है वो दोनों वेक्टर के बीच का क्या है एंगल। थीटा क्या है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। देखिए बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है बच्चों वन, तो आंसर क्या आ जाएगा ए बी जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी क्योंकि कॉस की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है वन। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो जाएगा 90, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चों ए बी कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों जीरो। तो इस चीज़ को बेटा यह डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो ये सबसे स्टार पॉइंट है, याद रखना कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हमेशा जीरो, और दो सेम वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड कॉस दोनों के बीच में एंगल, दो सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा ए इंटू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि दो वेक्टर सेम हो और उसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या मिल जाएगा स्क्वायर। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, मैग्नीट्यूड को चाहे ऐसे लिखा जाए चाहे ऊपर से क्या कर दिया जाए एरो हटा दिया जाए, ये मैग्नीट्यूड को ही बताता है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपको दो वेक्टर का सम करके उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट वेक्टर लिखेंगे। उसी तरह देखिए आई डॉट आई क्या होगा बच्चों, आई डॉट आई मैंने अभी बताया आपको कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो आई डॉट आई क्या होगा आई कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो कि कितना होता है वन, तो आई डॉट आई क्या होगा वन। उसी तरह से बच्चों जे डॉट जे भी कितना हो जाएगा वन, और के डॉट के भी कितना आ जाएगा बच्चों ये वन आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आई डॉट जे क्या होगा, तो देखिए आई कैप का मतलब हो गया एक्स एक्सिस और जे कैप का मतलब हो गया वाई एक्सिस, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता 90, तो इस दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जीरो। जे डॉट के भी क्या हो जाएगा जीरो ही हो जाएगा, और के डॉट आई भी क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा ए बी कॉस थीटा, ये जीरो आ जाएगा। देखो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिक्स्थ प्रॉपर्टी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो किसके इक्वल होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है उल्टा पुल्टा सेम होता है, ये कॉम्यूटेटिव होता है, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है कॉम्यूटेटिव होता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट इन कार्टिशियन फॉर्म, अगर आपको कार्टिशियन फॉर्म में वेक्टर दे रखा हो तो आप डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, आई के कोएफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करें यानी कि माइनस का 6, जे वाले कोएफिशिएंट को जे वाले से यानी कि 2 2 जा 4, और के वाले कोएफिशिएंट को के वाले कोएफिशिएंट से यानी कि प्लस का 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। और बच्चों अगर आप बी डॉट ए निकाले तब भी यही आएगा, देखिएगा बी डॉट ए अगर आप निकालोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -6, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -2 तब +2, तब भी क्या आ जाएगा जीरो आएगा, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है बच्चों बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। देखिए बच्चों डॉट प्रोडक्ट को और अच्छे समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है और आपसे ये पूछा गया है ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट ए 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो सबसे पहले आपको ये चीज निकालना होगा, तो आप पहले ये निकालें ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर निकालें, ए वेक्टर को एज इट इज लिख दे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, अब प्लस में बी को 3 से मल्टीप्लाई कर दे कितना आ जाएगा 9i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप,
तो ये चीज आपका कितना आ गया, ये हो जाएगा 10 आई कैप और ये हो जाएगा 7 जे कैप और ये हो जाएगा माइनस का के कैप। अब ये चीज निकाले, यानी 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकाले, तो a को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और उसमें से b को माइनस करें तो 3i कैप माइनस 2j कैप और ये माइनस माइनस प्लस का k कैप हो जाएगा। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का i कैप ये हो जाएगा प्लस 0j कैप और ये हो जाएगा प्लस का 5k कैप। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, i वाले को i से मल्टीप्लाई यानी कि माइनस का 10, j वाले को j से मल्टीप्लाई यानी कि 0, अब माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 15। देखिए बच्चों नेक्स्ट है, दो छोटे छोटे क्वेश्चन लिया गया, एकदम आसान आसान सा, जिसमें पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो लैम्डा की वैल्यू बताइए। बच्चों साफ साफ बता दिया था प्रॉपर्टी में, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। तो आप डॉट करो और जीरो के इक्वल कर दो। तो डॉट कैसे करोगे, टू को वन से मल्टीप्लाई टू, लैम्डा को माइनस टू से मल्टीप्लाई टू लैम्डा, और वन को थ्री से मल्टीप्लाई तो प्लस थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइव इज इक्वल टू टू लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइव बाई टू, ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, ए वैक्टर और बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ए डॉट बी दे रखा है और दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो बहुत ही आसान, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो a डॉट b हो गया रूट सिक्स और a का मैग्नीट्यूड हो गया रूट थ्री और b का मैग्नीट्यूड हो गया टू कॉस थीटा। तो यहाँ से बताइए बच्चों कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा जो हो जाएगा रूट सिक्स अपॉन में रूट थ्री और यहाँ पे क्या है टू है, तो इसे हम लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू में रूट टू अपॉन में रूट थ्री इंटू में टू, ये इससे कट जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं वन बाई रूट टू, तो थीटा कितना आ जाएगा बताइए बच्चों, 45 डिग्री आ जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है ये, इसमें आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जीरो वेक्टर के इक्वल दे रखा है, ए बी और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल पूछा जाए। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे आपसे पूछा गया ए और बी के बीच के का एंगल, तो आप इसे क्या करो, ए बी को रखो और सी को उधर ले जाओ। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस सी वेक्टर के। अगर ए और सी के बीच में पूछता तो आप बी को उधर ले जाते, ए और सी के बीच में एंगल पूछता तो बी को उधर ले जाते, यहाँ ए और बी के बीच में एंगल पूछा है तो हमने क्या करा, ए बी को रखा सी को इधर ले लिया। अब फिर क्या कर देना आपको बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड और दोनों तरफ क्या कर देना, स्क्वायरिंग। तो ये आ जाएगा ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर का स्क्वायर और ये माइनस सी वेक्टर का स्क्वायर। तो मैंने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी बता दिया, तो क्या हो जाएगी, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये हो जाएगा सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना, थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस बी का मैग्नीट्यूड फाइव या 25 प्लस में टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड 7 यानी कि 49। तो देखो बच्चों इसके बाद क्या हो जाएगा, 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, 49 माइनस 34 ये कितना हो जाएगा बच्चों, 49 में से 34 को माइनस कर दीजिए और इसे डॉट प्रोडक्ट खोल दीजिए तो क्या आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15। तो 2a का मैग्नीट्यूड 3 b का मैग्नीट्यूड 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 15, 5 3 15 कट गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 1/2, तो थीटा कितना हो जाए 60 डिग्री यानी कि पाई बाई 3। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है, देखिए बच्चों मैं क्वेश्चन वही कराऊंगा जो एग्जाम में आने लायक हो, सिर्फ हलवा हलवा क्वेश्चन करा करके आपको कोई फायदा होने वाला नहीं, अच्छे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे आपको इस क्वेश्चन में बोला बच्चों कि ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो शो करके दिखाओ ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। तो बच्चों आप क्वेश्चन को सोचिए कि दो वेक्टर को परपेंडिकुलर शो करना है, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट क्या प्रूफ करना होगा, जीरो, यानी आपको शो करके दिखाना है 2a वेक्टर प्लस
बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये क्या आना चाहिए, जीरो, ये आपको शो करके दिखाना होगा, तभी ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रूफ होगा। तो आपके पास क्या दे रखा वो लीजिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए का, जब बच्चों एक बात याद रखना, जब भी ऐसा मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन आए तो आपको तो बस क्या करना, आंख बंद करके दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसे खोलिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये इससे बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों बताओ, इस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। क्या इसमें से हम बी वेक्टर को बाहर कॉमन ले सकते हैं, इधर डॉट आ जाएगा, ये आ जाएगा बी वेक्टर प्लस में टू ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। इसको सीधा करके लिख सकते हैं, टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका डॉट बी वेक्टर के साथ क्या प्रूफ हो गया, जीरो के इक्वल आ गया। इसका मतलब टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के। बच्चों अगला क्वेश्चन मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइव स्टार क्वेश्चन है, जिसमें काफी बार एग्जाम में आया हुआ ये, तो ध्यान से बस आपको पढ़ना है तब जाके ये क्वेश्चन आपसे होगा। क्या लिखा हुआ, द स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए विद यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ बी एंड सी इज वन, देन फाइंड लैम्डा। तो क्वेश्चन को समझिए, आपसे बोला क्या है, आपको बोला है स्केलर प्रोडक्ट किसका, ए वेक्टर का किसके साथ, अलोंग यूनिट वैक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस, यानी इसके सम के यूनिट वैक्टर, यानी के बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर का जो यूनिट वैक्टर होगा उसका स्केलर प्रोडक्ट वो किसके इक्वल है बच्चों, वन के। ये चीज आपको दे रखा, फिर से समझिए, ए वैक्टर का स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, इस दोनों के सम के यूनिट वेक्टर के साथ, आंसर क्या आ रहा, वन। तो आपको लेमडा की वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका सम निकाल लेते हैं, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर, ए वेक्टर हमारे पास क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस में के कैप, इसका डॉट करना है इसके सम के यूनिट वेक्टर से। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, पहले सम करेंगे और फिर उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू प्लस लैम्डा आई कैप प्लस में सिक्स जे कैप माइनस का टू के कैप और अपॉन में उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इसके सम के अलोंग ये यूनिट वेक्टर आ गया और ये रहा ए, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल दे रखा, 1 के। ये चीज इधर चला जाएगा, ऊपर ऊपर डॉट कर देते हैं, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा, 1 को 6 से करेंगे तो प्लस का 6, 1 को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2 और ये इधर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस में 40। ये हो गया, ये से कट गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर इधर आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस में 40। स्क्वायर खोल देंगे, लैम्डा स्क्वायर प्लस में 36 प्लस में 12 लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस में लैम्डा स्क्वायर प्लस में 4 लैम्डा प्लस में कितना आ जाएगा, 40। तो आप गौर से देखिए, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा 8 लैम्डा हो जाएगा, ये 8 लैम्डा इज इक्वल टू 44 माइनस 36 8, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 आ जाएगी। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे कैसे निकालते हैं, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का बड़ा साफ सा फॉर्मूला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में क्या आ जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
देखिए बच्चों एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं प्रोजेक्शन पे, आपके पास निकालना है इसमें क्या, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इस केस में हम इसे ले लेते हैं कैपिटल ए वेक्टर, तो हमारा कैपिटल ए वेक्टर हो जाएगा इस दोनों का सम, यानी कि 3i कैप इन दोनों के सम, इसे हमने ले लिया कैपिटल ए वेक्टर और इसे हमने ले लिया कैपिटल बी वेक्टर। हमें ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है, तो पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं, तो ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 3j कैप और ये हो जाएगा प्लस का k कैप। फिर बी वेक्टर निकालिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस आई कैप, यहाँ माइनस करेंगे तो j कैप और यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस का 3k कैप। अब हमें क्या निकालना बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर। क्या फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो डॉट प्रोडक्ट करें, 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई प्लस 3, 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई माइनस 3 अपॉन में b का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 1 + 1 + 9, यानी कि ये आ जाएगा तो कट ही जाएगा, 3 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 11, ये आपका आंसर होगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जिसमें क्या बोला गया है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों यूनिट वेक्टर है, यानी कि बच्चों तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, सच दैट तीनों वेक्टर का सम 0 वेक्टर के इक्वल है। तो बच्चों इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो आसानी से कर सकते हैं, इसे ले लीजिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, ये हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, ये आ जाएगा 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए, बच्चों ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 3 प्लस में 2 इंटू में a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0, 3 जा जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा माइनस का 3/2। तो इस तरह से आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से काउंट किया जा सकता है। इसे बोला ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। एक तो ये यूनिट वेक्टर है, यानी तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है और तीनों का तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी ए डॉट बी भी 0 होगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, बी डॉट सी भी 0 होगा क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ए डॉट सी भी क्या होगा 0, ये तीनों क्या होगा क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, जब भी ऐसा चीज पूछे तो आपको स्क्वायरिंग कर देना है, तो ए वैक्टर 2a वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर, इससे मैग्नीट्यूड का जब स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए ये a डॉट c क्या है 0 के इक्वल, स्क्वायर कीजिए तो ये हो जाएगा 4a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो ये आएगा 2a डॉट b प्लस bc करेंगे तो ये आएगा b डॉट c आएगा, अब प्लस ca करेंगे तो ये आ जाएगा 2a वेक्टर डॉट c वेक्टर। बच्चों क्योंकि तीनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास आ जाएगा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाए, ये 1 1 1 है तो ये हो जाएगा 4 + 5 + ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये इधर आ जाएगा, तो यानी कि 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 हो जाएगा बच्चों।
अब देखिए बच्चों वेक्टर का 12th वेक्टर का लास्ट टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और यहाँ पे कैप लग जाता है जो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को दिखाता है। और अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाता है, ए बी साइन थीटा। याद रहे ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे एन कैप लगा हुआ है। एन कैप क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है किसका, एन कैप बताता है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इसके बीच का एंगल है थीटा, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए आप हाथ को राइट हैंड को ए पे रखना और बी की तरफ कर्ल करना, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा ये मार्कर, ये जो मार्कर है ये ए क्रॉस बी के अलोंग रखा हुआ, यानी कि ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ये मार्कर ए क्रॉस बी है, ये ए है और ये बी है। तो आप गौर से देखिए ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है, ये जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए बी है। गौर से देख लीजिए, ये ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर है और ए क्रॉस बी वेक्टर यानी ये जो मार्कर है वो बी के भी परपेंडिकुलर है। तो याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वो गिवन दोनों वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, मैंने नोट एक लिख दिया जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ए क्रॉस बी वो वेक्टर होता है जो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी का। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उसके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ए क्रॉस बी, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ए बी साइन जीरो, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो ए क्रॉस बी क्या जाएगा इसका, जीरो। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए बी साइन 90, साइन 90 कितना होता है, वन। तो ये आ जाएगा ए बी, जो कि इसके मैक्सिमम वैल्यू होगी। बच्चों अब देखो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, अगर आपको आई क्रॉस आई निकाल, ए क्रॉस ए निकालना हो, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यानी दो सेम वेक्टर का अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड साइन दोनों के बीच का एंगल। तो ए और ए के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, जीरो। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं आई क्रॉस आई क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा जीरो। जे क्रॉस जे क्या होगा, सेम वेक्टर, दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। और अगर हम मैं पूछूं के क्रॉस के क्या आएगा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। बच्चों अब देखिए, अगर आई क्रॉस जे आ जाए, जे क्रॉस के आ जाए, आई क्रॉस के आ जाए, जे क्रॉस आए, ऐसे केस में क्या होगा, तो इसके लिए आपको एक साइकिल याद रखना है। यहां पे बनाना है आपको आई कैप, यहां पे बनाना है जे कैप, और यहां पे बनाना है बच्चों के कैप। अगर आपको आई क्रॉस जे निकालना हो, आई क्रॉस जे आंसर क्या आ जाएगा, के कैप। आपको निकालना है जे क्रॉस के, जे क्रॉस के निकालना है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आई कैप। आपको निकालना है आई क्रॉस के, यानी आई क्रॉस के आप उल्टा आना है, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस जे कैप। आपको निकालना है जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई यानी उल्टा आना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का के कैप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, ए क्रॉस बी जो होता है बच्चों, वो बी क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल नहीं होता है। जैसे आपने स्केलर प्रोडक्ट में देखा था ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, लेकिन ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है। तो क्या होता है, ए क्रॉस बी
और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन इनका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। इसलिए ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए वेक्टर। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो और इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको डिटर्मिनेंट बनाना है, आई कैप जे कैप के कैप यहाँ पर लिखना है और उसके बाद ए के कोफिशियंट सबको लिखना है, तो क्या हो जाएगा 1 1 माइनस 1, बी के कोफिशियंट को लिखना है 2 3 माइनस 2। अब फिर कैसे करेंगे डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए पहले लेंगे आई कैप, आई कैप लिया इसे गायब कर दे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस टू, बीच में माइनस लिखे और इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। फिर यहाँ पे प्लस लिखे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो अब ले माइनस का जे कैप, इसे गायब कर दे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस का 2, बीच में माइनस और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2, ये हो गया। अब फिर क्या लिखे, प्लस का के कैप, अब इसे गायब कर दे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 3, बीच में माइनस लिखे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2। तो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ गया बच्चों, देखिए ये हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा 0 जे कैप और ये हो जाएगा प्लस का के कैप। और बच्चों अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने को बोले, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़े तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, आंसर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, तो पहले एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है तो थीटा क्या होगा, ए डॉट बी क्या होता है बच्चों सबको पता है, ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी क्या होता है बच्चों, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, उधर क्या बचेगा 1, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री या फिर पाई बाय 4। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो देखो बच्चों इस साइकिल के हेल्प से आप बता सकते हैं जे क्रॉस के किसके इक्वल होगा, जे क्रॉस के किसके इक्वल हो आई कैप के, तो ये हो जाएगा आई डॉट आई प्लस ये लिखो जे डॉट आई क्रॉस के किसके इक्वल हो जाएगा, आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस के जे के इक्वल और प्लस का के कैप डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे किसके इक्वल हो जाएगा के, और आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1, के डॉट के क्या होता है 1, ये कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 1। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्रॉस प्रोडक्ट में, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आपसे बोला आर वेक्टर इसके इक्वल है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो देखो आर क्रॉस आई पहले करते हैं, तो आर, तो देखो बच्चों आर की जगह ये लिख दो क्या हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उसका क्रॉस करिए आप किसके साथ, आई के साथ, फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेगा अलग अलग निकालते हैं, तो ये चीज़ आपके पास क्या आ जाएगा, इसको इससे क्रॉस करेंगे तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई, और जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा माइनस का के कैप, ये हो गया, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा, और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा प्लस का जे, तो ये आपके पास आ गया, इसका आपको आंसर मिल गया। अब इसका भी आंसर अलग से निकालिए, तो आप निकालते आर क्रॉस जे करते हैं, यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का क्रॉस किसके साथ करना बच्चों, जे के साथ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो x आएगा ही आएगा, और i क्रॉस j क्या हो जाएगा k कैप हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो j क्रॉस j क्या हो जाएगा 0, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा z आएगा ही आएगा, k क्रॉस j आ जाएगा, तो k क्रॉस j क्या आ जाएगा माइनस का i, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का i आ गया, ये दोनों आपने निकाल लिया। अब इसका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आपको करना क्या है, r वेक्टर क्रॉस i वेक्टर डॉट r वेक्टर क्रॉस j वेक्टर, इसका डॉट, यानी इसका इसके साथ डॉट करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, k वाले को k से, i वाले को i से, j वाले को j से, तो k वाले को k से मल्टीप्लाई के माइनस का क्या आ जाएगा xy,
जे वाला तो इसमें है ही नहीं जीरो, और आई वाला भी इसमें नहीं है, तो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का एक्स वाई, यानी आपने इतने का आंसर क्या निकाल लिया माइनस का एक्स वाई, और प्लस में क्या लिखा हुआ है एक्स वाई, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों जीरो। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 9 एंड परपेंडिकुलर टू बोथ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। अगर इसे हम ए वेक्टर मान लें और इसे बी वेक्टर मान लें, तो बच्चों समझिए आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है इसका मैग्नीट्यूड तो 9 हो और इस दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो बच्चों आप याद कीजिए मैंने स्टार्टिंग में बताया एक ऐसा वेक्टर जो गिवन वेक्टर के अलोंग हो और मैग्नीट्यूड m हो, तो उस वेक्टर का नाम हमने दिया था मैग्नीट्यूड m लिखना है, और जिसके अलोंग बोले उसके कैप से क्या करते हैं आपको मल्टीप्लाई। तो बच्चों आपको क्या बोला एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 9 हो और परपेंडिकुलर हो इन दोनों के, तो याद कीजिए कौन सा वेक्टर इस दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो अभी बताया इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इस दोनों के क्या होगा परपेंडिकुलर। तो ए क्रॉस बी वेक्टर जो होगा बच्चों वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो आपको ये पता चल गया कि आपको किसके अलोंग आपको वेक्टर निकालना, बोला गया अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 9 एंड परपेंडिकुलर टू बोथ। तो परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लेंगे ए क्रॉस बी, और इसका कैप निकाल के 9 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। मैं इसको मान लेता हूँ कैपिटल ए वेक्टर। तो हमारा जो बी वेक्टर होगा वो क्या होगा बताइए, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड की जगह 9 हो जाएगा और ए कैप यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम तो ए वेक्टर निकालते हैं, ए वेक्टर हमारा क्या है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं आई जे के, आई के कॉफिश ए के कॉफिशेंट आपको लिखो क्या आ जाएगा 4-1, 3, बी के कॉफिशेंट आपको -2, 1, -2 ये आ जाएगा। तो ए वेक्टर हमारा आ जाएगा, आई को हटाइए ये हटा दिया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2-3, ये हो जाएगा कितना -1, माइनस जे कैप इसे हटा दीजिए ये हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा +6, -8 + 6 ये हो जाएगा -2। अब प्लस में के कैप इसे हटा दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 4, बीच में माइनस लिखे, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 2। तो ये ए वेक्टर आ गया आपके पास -i कैप + 2j कैप + 2k कैप, ऐसा वेक्टर जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। अब आपको एक ऐसा वेक्टर बी निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड तो 9 हो और डायरेक्शन किसके अलोंग हो इसके अलोंग, तो इसके अलोंग डायरेक्शन कौन बताएगा इसका यूनिट वेक्टर यानी कि ए कैप। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। ए कैप कैसे निकालेंगे वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो पहले वेक्टर लिख दो -i कैप + 2j कैप + 2k कैप, और फिर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यानी कि -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, √9 क्या आ जाएगा 3, 3 से ये 9 कट जाएगा यानी कि 3 आ जाएगा -i कैप + 2j कैप + 2k कैप, यानी हमारा आंसर आ जाएगा -3i कैप + 6j कैप + 6k कैप, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए बच्चों लास्ट टॉपिक देख लीजिए, इसमें क्या बोला गया आपको कि एक पैरेललोग्राम दे रखा होगा और उसका एडजेसेंट साइड दे रखा होगा, और वो वेक्टर फॉर्म में लिखा होगा, एडजेसेंट वेक्टर दे रखा होगा साइड का ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो इसका जो एरिया होगा बच्चों वो होगा ए क्रॉस बी, जो कि मैंने निकालना सिखा दिया, और उसका क्या लेना है आपको मैग्नीट्यूड। तो आपको पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा, और ट्रायंगल का एरिया निकालना है इस पार्ट का, तो उसको आधा कर दीजिए 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आपको ए क्रॉस बी निकालना सिखा दिया है और मैग्नीट्यूड लेना भी सिखा दिया है।